उत्तराखंड की सम्मानित जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, इंडिया अलायंस के सभी साथियों का हम हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसा अवसर आया कि सत्ता में सरकार रहने के बावजूद भी मंगलौर के अंदर जो है तमाम धींगा मस्ती करने के बाद भी, गोलियों की बौछार करने के बाद भी, इस तरह का वातावरण बनाने के बाद भी मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने इस सीट को जीता है और बद्रीनाथ की कृपा जो है लखपत भटोला जी के ऊपर हुई है, उधर एक प्राण कलियर की कृपा जो है काजी निजामुद्दीन पर हुई है, अब केदारनाथ भगवान की कृपा भी होने जा रही है और ये पूरे देश के लिए एक बदलाव का जो है वातावरण संदेश गया है, क्योंकि देश पूरे देश के अंदर 13 सीटें जो है विधानसभाओं के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए थे और मैं कहता हूं कि हिमाचल ने भी जो है 3 में से 2 सीटें लेकर जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया, पंजाब में भी आपने जो है 1 सीट लेकर कीर्तिमान स्थापित किया, बंगाल के अंदर टीएमसी ने जो है 4 सीट जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ये एक गौरव के क्षण है जिन क्षणों को हम आज खुशी हमको ही नहीं पूरे देश को खुशी है, इस उत्तराखंड के निवासियों को खुशी है कि कम से कम सत्ता का गरूर चकनाचूर हुआ है और उसमें बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता ने जो है अपना अहम रोल निभाया है और मंगलौर क्षेत्र की जनता ने अब अहम रोल निकाला है। आज ये सबक है कि बीजेपी की यह सत्ता जो मदमस्त है, जो आम जन की बात को नहीं सुनती है, न सकती है, न वो महंगाई को देखती है, न बेरोजगारी का हल निकालती है, न देश के आवाम में शांति की बात करती है, तो ये सारे सवाल आज यहाँ से शुरू हो चुके हैं उत्तराखंड की धरती से और ये सवाल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो है अपना एक आयाम पैदा करेगा कि निश्चित है जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों के अंदर चुनाव होने हैं आगामी कुछ समय में उनमें निश्चित है कि परिवर्तन होगा और उत्तराखंड की सरकार से जनता कुछ सवालों का जवाब भी मांगेगी, देश की सत्ता से विपक्ष जो है कुछ न कुछ जो है सवालों की बौछार करेगा। अब आने वाले समय में हम इंडिया अलायंस के सभी साथियों को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी सबकी मेहनत से ये बदलाव की एक तस्वीर आ रही है और ये तस्वीर ये बद्रीनाथ जी ने साफ संदेश दे दिया है कि आने वाला जो 27 का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बनेगी। बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को इस बार लखपत सिंह भटोला जी के रूप में मिला और कलियर शरीफ से जो आवाज़ आई वो काजी निजामुद्दीन की आई, वहाँ से भी कांग्रेस ने अपनी सीट जीती और जहाँ तक पूरे भारत की बात करूँ तो आज 13 सीटों का उपचुनाव हुआ है, सिर्फ मात्र 1 सीट पर भाजपा जीत हासिल कर चुकी है। आज जनता ने साफ दिखा दिया है कि अब जनता की सरकार इस देश में चलेगी। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा किस तरह जनता ने इस बार भाजपा को करारा जवाब दिया और जो 400 का जुमला था वो सिर्फ जुमला बनकर रह गया और अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अब जुमलों की सरकार पर नहीं चलने वाली, जो धामी सरकार है वो बिल्कुल विफल रही है। अब इस बार दूसरी बार सरकार बनी है लेकिन धरातल की बात करें तो उत्तराखंड में जो महिलाओं पे लगातार दुराचार, अंकिता भंडारी का हत्याकांड जिसको आज तक उसके आरोपियों को वो नहीं पकड़ सकी है, कभी भादराबाद में होता है, कभी उत्तराखंड के किसी पहाड़ी जिले में होता है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं वही उस लोग में से उसी उस कांड में शामिल होते हैं, इसलिए भाजपा उन्हें लगातार बचाने का काम कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जब उन सब आरोपियों को सजा मिलेगी और आने वाले 27 के जो चुनाव होगा उत्तराखंड में वो भाजपा को साफ से करेगी और उनका सुपड़ा साफ यहाँ से होगा और कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाएगी और वो सरकार जनता की होगी, बेरोजगारों की होगी, महिलाओं की होगी। जो जिस तरह से भाजपा सरकार आज झोकर पट्टियों के नाम पर, मलिन बस्तियों के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है, उनका विस्थापन करने का कहीं नाम नहीं ले रही है, ऐसी सरकार को इस बार जनता उखाड़ कर फेंक देगी। कहते हैं कि अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ही इस पूरे देश को संभालने वाली सरकार है और उत्तराखंड की जो जनता है, हमने सोचा था कि पहाड़ में कहीं ना कहीं अभी भाजपा का असर बाकी है लेकिन इस बार जब बद्रीनाथ से जो रिजल्ट
हमें देखने को मिला है। तो पहाड़ की जनता, जो बोली वाली जनता, जिसे भाजपा हर बार राशन के नाम पर, कभी चिकित्सा के नाम पर छलने का काम कर रही थी, लेकिन वो जनता भी आज जागरूक हो चुकी है। और निश्चित रूप से जो आने वाला स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें पूरे उत्तराखंड में भाजपा के का सुपड़ा साफ होगा। मेयर की सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी बनेंगे, हर वार्ड में पार्षद होंगे, सभासद होंगे, और कांग्रेस निश्चित रूप से बाहुबल के साथ इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत हासिल करेगी।